बनाने के लिए जरूरी है। नाहिदा, आपने आपको बनाया बताया एक बड़ा इनोवेटिव सा तरीका गोभी को बनाने का, जिसमें ये जिस गोभी को जिस बैटर में डिप किया है वो क्या? ये जो बैटर है ना, मैंने इसमें कुछ नहीं लिया, आप इसके अंदर लें आधा कप मैदा ले लें, आधा कप मैदा, आधा कप मैदा, उसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, ठीक है, और नमक और काली मिर्च अपने हिसाब से। मैदा और कॉर्नफ्लावर यानी बराबर बराबर? आधा कप नहीं, आधा कप आप मैदा ज्यादा होता है, ठीक है, मैदा आपने अगर 1 कप मैदा लिया तो आप लेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्योंकि टेस्ट यहाँ का है तो मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ठीक है, और उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डाल दें, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, ठीक है, और इसका ये पानी डाल के, ये मैंने दोबारा कम पड़ गया, और इसको आप बैटर बना लें, ठीक है, और जब ये पतला सा एक हो जाए। अच्छा, मैं आपको दो चीजें ये बता रही हूँ, लाल मिर्च डाली हुई है, जीरा डाला हुआ है, नमक डाला हुआ है, और कलौंजी, और कलौंजी बस, ठीक है, और ये जब कलौंजी डाले ना दुरूद शरीफ पढ़ के, ताकि पता है फिर फायदा भी होता है, ये आपका बैटर बन गया। आपके हर चीज पे कोई बात याद आती है, मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। कहते हैं एक बुजुर्ग थे और वो बड़ी इबादत और रियाजत में और बड़ी उसमें, तो एक दिन उनकी बेगम ने उनसे कहा कि आपको पता है ये जो आप इतने जाहिद हैं और इतने वो, तो उसमें मेरा भी हिस्सा है, ये हिकायत एक सुना रही हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारा क्या है, ये तो मेरा, मेरी मेहनत है, मैंने मेहनत की है तो सारा कुछ जो है मुझे मुकाम मर्तबा मिला। उन्होंने कहा अच्छा चले ठीक है देख लेते हैं। उसके बाद उसने क्या किया, उसने जब उनके लिए खाना बनाना ना, पहले वो वजू करके सर ढांप के, जैसे आप कह रही हैं दुआ के साथ वो बनाती थी, उसने छोड़ दिया ये सब कुछ, उसके बाद खाना वाना बना के दे दिया। उन्होंने फील करना शुरू किया कि मेरा दिल नहीं करता उठने के लिए, जो मैं रात को भी उठ के इबादत करता था मेरा दिल नहीं करता, मेरी थकावट बेजारी, उनका दिल लगना छूट गया, छूट गया, उनको याद आई बीवी की बात। उन्होंने उससे पूछा क्या किया है तुमने, तो उसने कहा वो जो मैं जिस खुलूस के साथ आपको चीजें और जिस तरह से मैं देती थी मैंने वो छोड़ दिया, जब मैंने छोड़ दिया तो आपके अंदर से भी वो जो बात खत्म हो गई। तो ये इतना है, पता है खाना भी जो कहते हैं ना, जब आप पकाते हैं हमेशा खाने को हम यूं चलाते हैं, गोश्त भूनते यूं करते हैं, हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। क्यों? क्यों एंटी क्लॉकवाइज? इसलिए जाना है कि आप जब तवाफ करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, लोग कहते हैं मोटे हो जाए, अगर हम सुन्नत की कुछ चीजें अपने या वाजिद आप पढ़ लें, खाना कम पड़ गया आप अलहम शरीफ पढ़ के दुआ, आप दम कर आपका खाना कम नहीं पड़ता। ये बहुत सारी चीजें हैं जो अल्लाह ने हमें दुआएं भी बताई हैं, ठीक है, तो ये जो कवर करके दुरूद शरीफ पढ़ के आप कहते हैं ना, उसमें खाने में बरकत भी होती है, टेस्ट भी होता है, और कहते हैं दुआएं मांगो, जैसे कोई बच्चे हैं वो कहना नहीं सुन रहे तो उस खाने से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, जैसे कि आपने खुद ही बता दिया। जी, मैंने तो ये हिकायत पढ़ी और मुझे लगता है वाकई बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए कि वो जो हमारी माँ जब भी बनाती है अपने बच्चों के लिए हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के देती है, बिस्मिल्लाह, और जो माँ बनाती है, जो आई थिंक हमसे जो पहले हमारी जो माएँ थी हम सबकी, वो दिल से खाना बनाती थी, हम बनाते हैं जल्दी में और फॉर द सेक ऑफ कुकिंग, बना लो खा लेंगे, मुसीबत अब मोहब्बत नहीं रही। पहले जो हमारी माएँ बना, वो सीरियसली बच्चों के लिए मियाओं के लिए दिल से बनाती थी, ठीक है, आज फॉर द सेक ऑफ। अच्छा, अब ये अच्छा मैं आपको ये बताऊं, देखें ये जो गोभी थी ना ये स्टीम थी, ठीक है, ये देखें ये गोभी का पकौड़ा बन गया। हाँ, इसको आप पकौड़ा कह सकते हैं। हाँ, अगर इसके ऊपर आप व्हाइट सॉस वगैरह डालें वो एक कंप्लीट मील होता है उनका। अच्छा, हमारे लिए कंप्लीट मील। किस मुल्क की रेसिपी है ये? आपको इटालियन में भी मिलेगी, फ्रांस में मिलेगी, मतलब ये आम सी रेसिपी है, ठीक है, और ये व्हाइट सॉस डाल के चीज डाल के अवन में बेक करते हैं, वो मेल्ट हुई भी निकलती है, साथ में ये मटर रख देते हैं, मैश पोटेटो, ये कंप्लीट हमारे लिए, शायद कोई खाए और कोई ना खाए, ठीक है, नहीं थीक है? जिनको अपनी सेहत है उनको खाना चाहिए। अच्छा, ये मैंने स्टीम करी थी पानी वाला और उसमें ये डाली 10 से 15 मिनट ताकि, क्योंकि आप पूरी बॉईल करें। अच्छा, ये मैंने गोभी के सिर्फ फूल लिए हैं, फ्लोरेट जिसे कहते हैं, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये वो गोभी बनानी है जो आपके लिए प्रॉन्स बनते हैं? जी, ठीक है, ये आपने इसमें डाल दी, इसको मैंने बॉईल नहीं किया, ठीक है, तो ये भी उसी तरह मैदा कॉर्नफ्लोर। अच्छा, इसमें बेकिंग पाउडर, अगर चाहे अंडा भी डालते, मैं अंडा इसलिए नहीं डालती कि अंडा चीजों को सॉफ्ट कर देता है, आपको ये क्रिस्पी चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो आपने ये लिया और ये बस आपने फ्राई कर लिया एंड दैट्स इट, और फिर इसको स्वीट एंड सार सॉस के साथ, वो सॉस में बना के आपको भी इसको बता दूंगी, ठीक है, राइस के साथ आप सर्व करें, किसी को ना पता चले कि आपने आज गोभी आप लेकर आई है बाजार से। जब आप टेबल पर रखें
सब इसको समझेंगे प्रॉन्स है और वाकई ये लगता है प्रॉन्स। ठीक है, और इसे खा लेंगे आराम से, आराम। तो जरूरी नहीं है कि उनको मार मार के ही गोभी खिलाएं। नहीं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको नॉर्मल रहना है, जब वो खा लें फिर आप बता सकते। बिल्कुल सही सर, ये आपने गोभी का तरीका। डॉक्टर फैसल, क्यों खाएं गोभी? गोभी में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से गोभी जो है? गोभी में फाइबर बहुत ज्यादा है। अच्छा, गोभी में विटामिन बी भी मिल जाता है आपको, गोभी में आपको आयरन भी मिल जाता है जो उसका ग्रीन हिस्सा है, उसमें आपको कैल्शियम मिल जाता है। वो ग्रीन हिस्सा तो हमने कभी लिफ्ट ही नहीं कराई ना, तो सबसे पहले हम काट के फेंक देते हैं। अच्छा, जो इसका आप सॉस बनाए ना, तो उसके अंदर आप अदरक का बहुत इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि इसमें बादी है बहुत। जी बिल्कुल, सोंठ भी डाल लेते हैं कुछ लोग थोड़ी सी। हाँ हाँ, ठीक है, वही अदरक का सूखा हुआ सोंठ हो गया, एक चीज डाल। हाँ, बादी है, और ये जो उनसे ना रात को या शाम के बाद गोभी नहीं खानी चाहिए, दोपहर तक गोभी खा लें क्योंकि देर हजम है, तो फिर गैसेस वगैरह बनाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप कुछ और बनाने वाले थे अभी? जी, मैं आपको एक ग्रेनुला बार का बता देता हूँ जो बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। मुझे ये बताएं, उसने आंखों का पूछा था। अच्छा, आंखों का मसला किसने पूछा था? आपने, कि आंखों में से पानी आता है और आंखें जो हैं वो, बहुत सारे बच्चों की नजर कमजोर हो रही होती है मुसलसल, या बड़ों की भी होती है। बिल्कुल होती तो है, उसके लिए क्या उसको ठहराया जा सकता है? उसमें यह है कि हमने थोड़े से बादाम लेने, ठीक है तकरीबन एक खुराक ऐसी होती है कि 7 दाने बादाम, 3-4 अखरोट, ये मिश्री की अभी बात कर रही थी नाहिद आपा मिश्री, ये है बरहमी बूटी। अच्छा, और यह है सौंफ, ठीक है। ये 5 चीज़ों का आप मुरक्कब हम वजन ले सकते हैं, अगर ज़्यादा मकदार में बनानी है हम वजन लेके इसको पीस के रख लें, ठीक है, और आधी चमची सुबह और आधी चमची शाम। बड़े बच्चे बूढ़े जो भी खाते रहें उनकी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी, उनकी नज़र बहुत अच्छी रहेगी, और जिस तरह वो बच्ची बताई थी कि पढ़ते हुए सर में दर्द होता है, तो अगर तो वो साइकोलॉजिकल नहीं है और वो फिजिकल पेन है तो वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, जिन बच्चियों की आंखों में दर्द रहता है और उनको हल्के पड़ जाते हैं इस वजह से, उनके लिए भी इंतहा फ़ायदेमंद है। तो ये अभी मिश्री की जो बात कर रही थी, ये मुसफ़ा होती है, मतलब साफ होती है, इसमें सारे केमिकल्स वगैरह निकले हुए होते हैं और ये फिर प्योर फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जब भी तिब्बी नुस्खे में डालते हैं हम तो चीनी के बजाय प्रेफर करते हैं कि मिश्री का मिश्री डाली जाए। ठीक है, अच्छा, मैंने ये 3 चीज़ें तो अपने घर में खुद भी यूज़ की हुई है ना, ये मिश्री, सौंफ और बादाम, ये बरहमी बूटी, और ये इसका कम्बिनेशन इसलिए बढ़ा दिया ताकि जिनको दिमागी कमजोरी है। अच्छा, लेकिन दिमागी कमजोरी की वजह से भी आई साइड वीक हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो जिनको दिमागी कमजोरी या आसाबी कमजोरी है तो वो इन चीजों का इस्तेमाल करते रहे तो उनकी याददाश्त बड़े अच्छे तक अच्छी रहे। अच्छा, इससे मुझे लगा वैसे तो आई साइड पे बड़ा डेफिनेट फर्क पड़ता है, यानी आंखें कमजोर नहीं होती, और जिनकी हो भी कमजोर वो भी बाजू का देखा बेहतर हो जाती है या रुक जाती है वहाँ पे, लेकिन ये पट्ठों के लिए भी बड़ा इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव, नर्व्स के लिए भी बड़ा सूदिंग है। एक नुस्खा जो उनसे है ना, अब हम उसको नाम दे देते हैं कि आंखों के लिए अच्छा, अदरवाइज आप देखें इसमें अफ्रोट है, मिनरल्स हैं, बादाम है, विटामिन ए है, सौंफ है, लेग्जेटिव भी है, बरहमी बूटी है, या आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छी करती है, मिश्री है, या आपको जायका भी दे देती है, और थोड़ी सी सूदिंग होती है, ठंडक पहुंचाती है। ठीक है, तो जब एक नुस्खा बनाया जाता है ना तो उसकी हिफाजियत ये होती है कि वो सिर्फ एक जगह जाके काम नहीं करेगी, बॉडी को पूरा ओवरऑल ठीक करेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब क्या बना रहे हैं? आपको एक ग्रेनुला बार जो होती है, एक हेल्दी बार होती है, उसकी एक रेसिपी है, पहले भी एक दफ़ा शेयर की थी लेकिन मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ आपको, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें हम लेंगे ये ओट्स, ठीक है दलिया लेंगे, हमने ये इसका डिस्कस करना था जो हमने अभी नहीं किया, हम करते हैं अभी। कर लेते हैं, लेकिन ये ओट्स का दलिया, यानी जौ का दलिया, आम जो डब्बों में मिल जाता है, इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे, ठीक है थोड़ा सा आंच इसकी हल्की से मीडियम कर लीजिए। और ये जो आप बना रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए इसमें जो उनसे है ना, ये बच्चों के लिए तो खास तौर से, लेकिन बड़ों के लिए भी, इसको एनर्जी बार कहते हैं। आपको किसी वक्त भी कोई भूख लग रही है और आप कोई हैवी खाना नहीं खाना चाहते तो आप इसकी सिर्फ 1 चमचा ले लें, या इसकी बार की शक्ल बना लें तो इस 1.5 इंच की 1 बार खा लें, तो आपकी उस वक्त के पूरे ग्लूकोज लेवल ठीक हो जाता है, आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, आपको जितनी एनर्जी चाहिए 1-2 घंटे के लिए वो आपको फौरी तौर पे मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये जो उनसी है बच्चों के लिए इसलिए बहुत अच्छी है कि उसके फ्लेवर बहुत मजे का है, और लंच में दे सकते हैं उन्हें, लंच में दे सकते हैं बिल्कुल। अब जब ये थोड़ा सा अपनी खुशबू छोड़ दे तो इसमें हम थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे। बिल्कुल ठीक। सो जौ का आपने पोरिश ले लिया, पोरिश है दलिया है? ये दलिया है, ये वो होता है ना जिसको प्रेस्ड ओट्स कहते हैं, ठीक है, जो मुड़ा हुआ होता है सारा, थोड़ा प्रेस किया हुआ होता है, ठीक है। इसमें अच्छा, इसको बनाना बिल्कुल तेज़ बनाना है क्योंकि ये जलता जाएगा, पिघलता जाएगा, ख़राब होता जाएगा।
ठीक है, हमने ओट्स को पहले फ्राई ड्राई रोस्ट किया, मक्खन डाला और इसमें हम बहुत सारी डार्क चॉकलेट डाल देंगे। ठीक है, कुकिंग चॉकलेट डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा अब ये जो सा है अपनी आंच पे थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, पक जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे चारों मगज, ठीक है, फिर बादाम, अखरोट और थोड़ा सा ये फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, ठीक है, इनको पीस के और इनका पाउडर करके हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको आप बेशक जार में रख लीजिए या बेशक इसकी बार बना लीजिए। ठीक है, तो ये फौरी तौर पे नाश्ते के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, अगर आप निकल रहे हैं कुछ भी करने का टाइम नहीं है, दो चमचे जल्दी से आपने डाल लिए, खा लिए और फारिग हो जाए, तो आपको बहुत सारी इसमें जायका भी और न्यूट्रिशन भी मिल जाए। बिल्कुल, अच्छा है डार्क चॉकलेट जो है वो फिर अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, तो जो लोग डाइट पर हैं वो भी ये खा सकते हैं और अपना एक मील को ही सभी एक मील स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, और अदरवाइज भी मतलब इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा है जो कि बहुत अच्छा, वो फ्लैक्स सीड और नट्स और ये आपको और वो ओमेगा 3 मिल जाता है, डेली की नट्स की डोज आपकी पूरी हो जाएगी जितनी की होनी चाहिए। अच्छा अब हो गया ये फ्राई गोभी, इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ। ठीक है, पहले मैंने सोचा कि मैं वो छोटी वाली जो फ्राई करी हूँ इसके साथ रखूँ, ठीक है, मगर मैं इसलिए नहीं रख रही कि जब आप घर में भी बनाएं तो एक साथ मत रखनी, तो पहले ही पता चल जाएगा कि गोभी है। ठीक है, उसको हम ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ सर्व करेंगे और मैं इसके लिए व्हाइट सॉस बनाती हूँ, चीज़ें मैंने मंगाई हैं। ये गोभी देखिए ये फ्राई हो रही है, ठीक है, ये देखिए कितने बड़े बड़े पीसेस और बड़े बड़े ही चंक, ये देखिए आप, ये देखें क्रिस्पी है, खा के देखो, हाँ हाँ बिल्कुल खा के देखो, सॉस के साथ आप अलग, मुझे तो वैसे भी गोभी का टेम्पुरा और ये सब चीजें बहुत मजे की लगती हैं, गाजर का इसका टेम्पुरा बहुत, भिंडी का, कैसा होगा तुक्का, टेस्टी होगा ना, बहुत मजे का, इसका पता नहीं चलता, जब इसको मैं स्वीट एंड सार सॉस के साथ डालूंगी तो फिर ये बहुत एक मजे का टेस्ट है। और उसमें अच्छी बात ये है नेरापा जी, नाहिदापा सॉरी, हमारी नेरापा भी एक वो है, मैं आपको अच्छा। नेरापा की जा रही इसमें गोभी जो है वो बहुत ज्यादा कुक नहीं है, तो हाँ। बहुत ज्यादा पकाने से जो बाजू का चीजें जाया हो जाती हैं ये हमेशा जो भी सब्जी आप बनाए उसका क्रिस्पी फीलिंग आनी चाहिए, तभी सब्जी का मजा है, बहुत नरम हो गई तो आपको इसका मजा नहीं आएगा। अच्छा इसके साथ आप पता है क्या कर सकते हैं, अभी एकदम से दिमाग में है, इस गोभी के साथ आप इमली की चटनी और दही, जिसे आप दही बड़े पे डाल रहे हैं, आपने इस पे पहले दही डाला और फिर आपने इसमें इमली की चटनी, और आप इसको खाएं आप देखें तो डाइट भी आपकी, पकौड़े आप खाते ही हैं तो इस पे आपने इमली की चटनी और दही डाल के इसको सर्व किया, ये बहुत मिले, बिल्कुल सही। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगी तो मैंने कहा था हमने थोड़ी सी बात जो है वो जापानी फल पे भी करनी है इस पे, और डॉक्टर फैसल अब ये पकड़ के रखिएगा ताकि हम इसको मिस नहीं करें, ठीक है, और इसके बारे में डिटेल से बताएं। ये वो बार बन गई है जिसका जिक्र कर रहे थे कि ये एक चम्मच आप खा लें, अगर आप बहुत भी डाइट कर रहे हैं या नहीं टाइम है तो ये वो चीज है जो फौरी तौर पर आपको एनर्जेटिक भी रखेगी बगैर बहुत कुछ खाए हुए, और आपकी जो जरूरत है जिस्म की वो भी पूरी करेगी। तो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर मिल रहे हैं। नाहिद आपा इस वक्त कर रही हैं तैयारी और ये हमें बताने वाली हैं बहुत मजे के स्नैक्स और उसके साथ साथ बच्चों के लिए लंच बॉक्स को हेल्दी ऑप्शंस जो कि हम उनके लिए भेजेंगे जिसमें उन्हें विटामिन बी सी ई आयरन सब चीजें जो है वो मिल रही हैं। जब तक वो तैयारी करती हैं डॉक्टर फैसल जोड़ों के दर्द का मसला बताएं। जी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी और सादी सी चीज है कि आप सौंठ ले लीजिए, ठीक है, हल्दी ले लें, काला जीरा लेना और थोड़ा सा सुरनजान शीरी लेना, ठीक है, इन सारी चीजों को हम वजन लेके पीस के रख लें और जीरो साइज का कैप्सूल एक कहलाता है हमारी उसमें, लेकिन ये कि अगर वो ना हो तो आप एक चौथाई चमची सुबह निहार मुंह दूध के साथ और शाम को दूध के साथ ले लें, तो इंशाल्लाह आपको जोड़ों का दर्द जैसे अब सर्दियां आ रही हैं उसमें खिंचाव हो जाता है, कड़ाव हो जाता है, उन सब चीज़ों से निजात के लिए बहुत सादी और बहुत बेहतरीन चीज़। एक एक छोटी सी टिप मैं भी शेयर करूँ जी, बताइए क्या है, अगर आप टोमेटो जूस टोमेटो सूप ज़्यादा पीना शुरू कर दें और अगर वो भी नहीं कर सकते तो ये आधा टमाटर काट के तो उसको कोई भी चूल्हा पैन के ऊपर उसको ग्रिल कर लें, यानी गरम कर लें, हल्का सा वो ग्रिल हो जाए और उसको खा लें आप, जैसे खाने के साथ कुछ भी खाते हैं, ये लाइकोपीन जो है ये सिर्फ दिल के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर साहब आपको तो पता है
जोड़ों के लिए बहुत इफेक्टिव। ये एक रिसर्च की गई कि ये लोग क्यों, जो लोग ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके जोड़ फ्लेक्सिबल ज्यादा रहते हैं, वो ज्यादा देर तक लचक रहती है उनके जिस्म में। और दूसरा ये कि जो टमाटर के लिकोपीन है वो जो आज जिस तरह आप कह रही हैं कि ग्रिल करके, टमाटर वाहिद लिकोपीन है जो जब तक पकता नहीं है उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होता। तो इसलिए टोमेटो केचप जो उनसे, जो असली टमाटरों से बनाओ, वो बहुत फायदेमंद चीज है, बहुत फायदेमंद। अगर आप बच्चों को देंगे तो उनके अंदर ये टेंडेंसी होगी कि उनके जोड़ लचकदार रहेंगे, उनमें ये मसले नहीं पैदा होंगे। और अगर खुद भी आप बना के रख लें, और केचप ही ज्यादा, हाँ अच्छा केचप घर में बना के रखें तो उसका कोई नुकसान नहीं है सच, ठीक है। और ये ग्रिल करके ये भी खाना शुरू कर दें, बिल्कुल सही, ठीक है। और अच्छा, साथ इसकी आप पेंटी बात जरूर करनी है जापानी फल की। जापानी फल जो उनसे हार्ट के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन के है। विटामिन के जो उनसे है वो खून को जमने नहीं देता, उसको तेज रखता है, रवानी तेज रखता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ऑटोइम्यून डिजीजेज जो उनसी हैं उसके लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें विटामिन ए जो है तकरीबन 55% तक है, विटामिन ए जो प्रीकर्सर होता है, हमारा उसके रेटिनॉल का, ठीक है। और उसकी वजह से हमारी आई साइड जो उनसे वो अच्छी रहती है, ब्राइट रहती है हमारी आईज, और जो उनसे हमारी वो बारीक वेन्स और नर्व्स जा रही होती हैं जो आंखों को सप्लाई दे रही होती हैं, वो फायदेमंद होती है। तो जिन लोगों को इसका मतलब है अपनी आंखों की हिफाजत करनी, इसे खाएं। वो इसका छिलका तो नहीं खाना होता, इसका छिलका अमूमन वो हाजमे को खराब करता है, थोड़ा सख्त होता है, अंदर का पल्प खाएं वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ठीक है, दूसरा ये कि इसके खाने की वजह से आपको जोड़ों के दर्द के साथ साथ आपकी जो सी स्किन की इलास्टिसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि विटामिन ए है, विटामिन सी और विटामिन के जिस तरह मैं बता रहा हूँ, उसके साथ इसमें कैल्शियम और कॉपर वो बहुत ज्यादा है, तो कॉपर जो सा है वो आपके बालों के लिए बहुत जबरदस्त। अरे उसने पूछा था स्किन के प्रॉब्लम्स, के एक्नी जो है उसके दाग रहते हैं और वो मिटते नहीं है, यही सवाल था ना, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए इसका थोड़ा सा गूदा निकालें, उसमें थोड़ी सी आम जो चीनी है उसको पीसें, और उसमें थोड़ा सा ये इसका आलू का पेस्ट मिक्स कर लें, ये मास्क लगाना शुरू कर दें दागों के ऊपर, तो दाग इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत हल्के हो जाएंगे, फेड होना शुरू हो जाएंगे, वैसे भी मेरा ख्याल ये स्किन पे लगानी चाहिए, लगा लेनी चाहिए। कुछ लोगों को इससे थोड़ी सी खिंचाव या हल्की सी टिंगलिंग होती है, अगर टिंगलिंग लंबी अरसे तक हो तो इसको इस्तेमाल मत करें, अगर टिंगलिंग हो और 5-10 सेकंड में खत्म हो जाए तो ये सेफ है, फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपने हमें बताना है ये किस चीज के लिए था, ये हाजमे के लिए, हाजमे के लिए, ठीक है। आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा गला खराब, बुखार, चेस्ट कंजेशन, उसका कोई जल्दी सा क्विक वाला और मजे का सलूशन, हाँ क्विक वाला ये है कि आप शहतूत के पत्ते ले लें, अमरूद के पत्ते ले लें और अमरूद ले लें, इन अमरूद को आपने पीस के उसमें डाल देना है, और उसकी आपने अमरूद को यानी ग्राइंड करके, और उसको हल्का सा भून लें, सादा सा बगैर कोई चीज डाले, और उसके साथ आपने कहवा बनाना है अमरूद के पत्तों का और शहतूत के पत्तों का, वो पिला दें बच्चों को, और उसके ऊपर से वो जो उनसे हमने अमरूद को भुना है हल्का सा वो आधी चमची खिला दें शहद के साथ मिक्स करके, इंशाल्लाह उनको खांसी जो उनसे फौरन रुक जाएगी, और जो रेशा है वो फट के निकलना शुरू हो, ये सिर्फ एक दफा खाने से या पीने से, 2-3 दफा में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और ये एक दिन में कितनी दफा खिलाना पिलाना, 3-4 दफा खा सकते हैं आराम से बच्चों के हिसाब से, ठीक है। और ये जो बदहजमी, हम बच्चे मतलब कह लें आप कि चूंकि हम ये सोचते हैं कि जो देखने वाली खवातीन है ज्यादातर वो है जो सुबह उठी है, उनके बच्चे हैं, लेकिन ये सब लोगों के लिए इफेक्टिव है। हाँ, डोज सिर्फ चेंज हो जाता है, बच्चों को आधा डोज देना है और बड़ों को जो हम बता रहे हैं वो देना, ठीक है। और ये बदहजमी, अच्छा बदहजमी के लिए ये नुस्खा है, आप इसमें ताज़ा आमलों का जूस ले सकते हैं, अदरवाइज सूखे आमले ले लें, धनिया ले लें, इलायची के दाने ले लें, पुदीना ले लें और सौंफ ले लें, इन सब चीज़ों को हम वजन लेके पीस के रख लें, और जो भी खाना खाने के बाद अगर आपको बदहजमी है, गैसेज है, इवन अल्सर तक के लिए ये फायदेमंद है, ठीक है, तो खाने के 10 मिनट के बाद इसकी आधी चमची जो उनसे हो पानी के साथ फक्की के तौर पे खा लें, तो इंशाल्लाह वो कहना मिसाल खाया पिया हजम किया, हाँ। तो ये सारी चीजों को हजम कर, उसमें हजम हो जाएंगे, बिल्कुल सही। अच्छा नहीं दापा, व्हाइट सॉस मेरा ख्याल आपने तो तैयार कर लिया, व्हाइट सॉस नहीं, व्हाइट सॉस इसलिए क्योंकि वो रेसिपी में था नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, मक्खन लिया, 1 चम्मच मैदा डाला, उसको हमेशा मैदे को थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए करते हैं कि उसकी जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए, ठीक है। बस उसको मैंने करके और इसे मैंने 1 कप दूध डाल दिया, ठीक है, बस ये थिक सा सॉस बन गया। और इसके अंदर आप, क्योंकि हमारे पास ओवन नहीं है और आप लोगों के पास ओवन ना हो, तो आपने क्या करना है, इसी के साथ चीज इसमें डालते हैं, ये आपने लेकर इसमें डाली, इसको मेल्ट हो जाएगी और आप ऊपर से इस पे डाल के इसको आप सर्व कर देंगे, गोभी पे डालें,
ये तो गोभी रखी थी, ये एक्स्ट्रा बना दिया। हम बना रहे हैं यहाँ कटलेट, ये बहुत ही मजे के शाम की चाय पे बनाएं आप, बच्चों के लंच बॉक्सेस में दें, मतलब टी टाइम के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है ये आपका। इसमें नमक और काली मिर्च आप डाल दें, अगर आपको चटपटा चाहिए तो आप क्रश चिली, क्योंकि इटालियन लोग क्रश चिलीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा जायफल भी डाल दें। हाँ, व्हाइट सॉस में जायफल इज मस्ट। तो जायफल से आपको कुकिंग सारी आती है। मुझे आती है। अरे हाँ, आपके कहने का मतलब है मुझे वाकई आती है। बिल्कुल, जिसको ये जब पता हो दैट मींस यू आर अ गुड कुक। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये हो गया, इसको तो मैं पोर करती हूँ। अब यहाँ आप आ जाए, मैं आपको ये दिखाऊँ, ठीक है। ये है आलू, ठीक है, और ये पीले कैसे हुए, कोई कलर नहीं डाला मैंने इसमें, हल्दी डाली है, ठीक ठीक है, विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अच्छा, ये मुझे बताएं फैसल कि एक कच्ची हल्दी आती है, एक आम पिसी, पिसी भी तो मैं नहीं इस्तेमाल करती, मैं खुद पीसती हूँ, एक कच्ची। अच्छा, एक सुना है कि दर्दों की हल्दी अलग आती है, आंबा हल्दी होती है, चेहरे में इस्तेमाल होती है। हाँ। नहीं, दर्दों अच्छा, उसको करक्यूमिन कहते हैं, ऐसा जो थोड़ा सा उसका बोटेनिकल नेम फर्क है। हाँ। लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल हल्दी है, ये अब साइंस ये बता रही है कि ये वही है जिसको सेपरेट किया जाता था। ओके। तो हमारी जो ये वाली हल्दी है, जो हमारी देसी हल्दी है, ये वही हल्दी जो वही ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, उसको सुखा के पीस लें, ड्राई या फ्रेश वाली, अब सीजन तो आ गया। अच्छा, मैंने क्या किया, ये है कॉटेज चीज, मैंने सिर्फ इसको कद्दूकश कर लिया, ठीक है, कॉटेज चीज को, और मैंने इसके हाथ से बॉल्स बना ली, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास कॉटेज चीज नहीं है तो आप इसकी जगह उबला हुआ अंडा ले सकते हैं, और उबले हुए अंडे को कद्दूकश करके और उसकी ये बॉल बना लिया, ठीक है, ठीक है, ये बना लिया। ये है आलू, इसमें मैंने नमक, काली मिर्च और क्या और डाला, कॉटेज चीज घर में कितने आराम से बन जाता है, आराम से। एक किलो दूध में आप एक पाव दही डालें और एक चम्मच नमक डाल के, और आप उसको उबाल के वो बना लें, आपकी बेस्ट कॉटेज चीज बनती है। बिल्कुल, छान ले मलमल के कपड़े, मलमल के कपड़े जो छान निकल आएगा वो कॉटेज चीज है, और उसी के साथ फिर आप रसगुल्ले और 10,000 चीजें बना सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये मैंने बॉल बना ली कॉटेज चीज की, ठीक है। ये है, कई दफा ना दूध खराब होने लगता है, खराब होने से पहले कॉटेज चीज बना लें आप, उसे फौरन जैसे ही आपको लगे कि दूध हल्का सा उस तरफ चला गया, तो बजाय इसके कि आप उसकी फौरन कॉटेज चीज बना, और अगर फट जाए तो उसमें चीनी डाल के पकाएं तो वो खोए जैसा मिठाई बनती, वो और भी मजे की बनती। अच्छा, मैं तो वही जब फट जाता है मैं वही बनाती हूँ। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, चले। अच्छा, ये देखे मैंने बॉल अंदर डाली। हाँ। ये आलू, आलू के अंदर मैंने थोड़ा सा मक्खन डाल दिया था और नमक, काली मिर्च। ये आलू इतने फ्लेक्सिबल कैसे हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल चिपके जा रहे हैं, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मक्खन। अच्छा, आलू अगर आप हमेशा उबालना चाहिए, छील के और छील के टुकड़े काट के उबालें तो वो बहुत अच्छे रहते हैं, पानी नहीं जाता, ठीक है। नंबर टू, आप आलूओं को अगर आपने साबुत उबाला है फिर आप उसको कद्दूकश कर लें तो उससे भी ये ऐसी फ्लेक्सिबल रहते हैं। ये आपने लिया, ये आलू कर लिया, और ये मटर मैंने बॉईल किया था। अच्छा, इसमें भी मैंने थोड़ा मक्खन डाल दिया। आजकल तो मटर बहुत महंगे, लेकिन शायद आने वाले, अब आने वाला सीजन है ना, आपने ये इसके ऊपर से कर लिया, ठीक है। तो इसको एक आलू अंदर उसके व्हाइट येलो एंड हाँ पोटैटोस पीस एंड कॉटेज चीज, ठीक है। कॉटेज चीज नहीं है, आपने नहीं बनाई तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हैं, उबला हुआ अंडा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये एक ये आपका बॉल बना ली। देखिए, ये कंप्लीट एक मील बन गई, ठीक है। अब आप इसको बॉल की तरह फ्राई कर सकते हैं। ये मैंने जौ लिया है, जौ को लेके मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसको दर दरा सा पीस लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको बर्गर्स बनाने, ये देखें आपके तीन कलर निकलेंगे जब आप अंदर से इसको करेंगे, ठीक है। और इस, लेकिन ये बर्गर बच्चे खा लेंगे, मतलब खाएंगे, लंच बॉक्स उनको तो कलरफुल लगेगा, उनको तो ये असल कहलाता है चीट बर्गर, ठीक है। चीट का मतलब आप बच्चों को, मगर मैं ये सोच रही हूँ अगर आपने खाने में भी नाम चीट रख लिया तो फिर वो खाने पे असर नहीं करेगा अच्छे खाने, तो आप इसका नाम रख लें हरा भरा बर्गर, ठीक है। हरे भरे नगेट्स बच्चे खाते हैं, इसको आप हरा भरा चीट नाम ना दें, क्योंकि वो चीट नाम से फिर मुझे ये लगा कि नहीं वो गलत नाम हो जाएगा। हम यहाँ पे कोई ऑयल भी रखें ताकि वो गर्म हो। ये मैं सॉस बना रही थी, अभी वो आया नहीं केचप, ठीक है। ये आपने ओट्स ले लिए, ये देखें आपने कोई क्रम्स नहीं लगाए, ये हेल्दी, पूरा हेल्दी बर्गर है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब इसको आपने उसमें डाल कर बना के, जब भी आप ये चीजें बनाए प्लीज हमेशा इनको चिल करें थोड़ी देर फ्रिज में, केचप पूरा, केचप भी आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे ही खाना है या इसको फ्राई करना है? नहीं नहीं, इसको फ्राई करूंगी मैं। ओके, अच्छा ये आपको मैं स्वीट एंड सार सॉस बता रही हूँ, ठीक है।
और ये घर में हम खुद बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हमने क्या क्या डाला है? केचप आप जब घर पे बनाए तो ज्यादा अच्छा है, मगर ये हम केचप अब मैंने इसमें अदरक डाली है। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर अदरक जरूर डालें क्योंकि आप गोभी के साथ, और वैसे भी जिंजर सॉस जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैं ये केचप डाल रही हूँ, ये मैंने चिली सॉस डाला था। ठीक, आपने अदरक डाली, आपने मैंने अदरक डाली और मैंने चिली सॉस और ये मैंने केचप, ठीक है, और इनको आपने मिक्स कर दिया। बस इनको मिक्स करके आप थोड़ा सा पका लें, आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर लहसुन, ठीक है, और इसको थोड़ा सा पकाएं गाढ़ा हो जाए। मैं इसको पका के गाढ़ा करती हूँ, कॉर्नफ्लावर नहीं डालती, ठीक है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर से फिर वो ज़रा एक्स्ट्रा चीज़ मत डालें। लेकिन अगर आप डाइट इतने कॉन्शियस नहीं और बच्चों को दे रहे हैं तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के ठीक कर लें। अच्छा वो कर लें, नहीं तो आप क्या करें, 3-4 टमाटर लें, उनको ब्लेंड कर लें, उसके अंदर 1 चम्मच आप गुड़ डाल दें या शहद डाल दें, तो वो टमाटर डाल दें, केचप को आप अवॉइड करें बाजार के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो अब हम लंच बॉक्स में एक ऑप्शन ये होगी, ये वाला हो गया, और एक ऑप्शन जो है हम आपको और बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। खुशामदीद, आज हम सेहत और जायके का तड़का, डॉक्टर फैसल ज्यादा हमें सेहत की बातें बता रहे हैं, लेकिन जो हमें नाहिदापा बता रही हैं उसमें तड़का जरूर है जायके का, मगर ये सब वो हेल्दी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं जो कि आप बना सकते हैं और कर सकते हैं ट्राई। भाई देखिएगा, ये कोई मान सकता है कि गोभी है, और इस तरह से अगर आप गोभी प्रेजेंट करेंगे तो कौन ये गोभी नहीं खाएगा? मुझे तो लगता है राहिदापा की आप स्नैक्स में भी खा सकते हैं, सामने बैठे हुए। मैंने आपको अभी बताया कि आप इसके अंदर इमली और दही डालें। मैं शाम में बैठे हूँ, आप सब चाय के साथ भी, आप ये गोभी पकौड़ा टाइप की चीज लग रही है, लेकिन ये बनाकर तो इसको ट्राई कर सकते हैं, और अगर खाने में भी आपने साथ रखा हुआ है तो मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त है। और ये पूरा मील है, इसका नाम क्या, गोभी मील रखें, क्या रखें, गोभी पार्टी, कॉलीफ्लावर एंड व्हाइट सॉस। हाँ, लेकिन गोभी पार्टी जो है ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने ये इस तरह से पूरी बॉयल गोभी, पूरा फूल, उसको हल्का सा इन्होंने स्टीम बॉयल किया, उसके बाद उसको फ्राई किया बैटर लगा के, और फिर व्हाइट सॉस ऊपर डालकर ये एक मजेदार सा, ये मुरब्बा भी रखा था, आपने देखा नहीं था? अरे मैंने मुरब्बा वाकई नहीं देखा। तो ये हमारा आंवले का मुरब्बा और गाजर का मुरब्बा और साथ अदरक, ये हमने बना के रख लिया। ये सब वो चीज़ें जो कि आप रोज़ाना थोड़ी 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 अपनी डाइट में, अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जाएं, तो कुछ अरसे में आप देखिएगा कि आपको अपने अंदर, आंटी सांस फूलना कम हो जाएगा, वजन भी कंट्रोल होगा, सीरियसली आपको एकदम से एक फर्क जो है वो फील होना शुरू हो जाएगा अपने अंदर। अच्छा, और ये हमने अब फ्राई करना शुरू कर दिया, बना रहे हरे भरे, कि मैं छोटी बॉल्स भी बना दूंगी ताकि आप छोटी बच्चे लंच बॉक्स में देखें, ये जब मिलेगा ना उनको वो कलर क्यों ये देखने लगेंगे। बहुत चलाक हैं बच्चे आजकल, नहीं नहीं खा लेंगे उनको। आपने असल में बताऊं किस तरह बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, जब आप ये चीजें बनाएं बच्चों को, आप बना लें मैश वैश कर लें, फिर आपके चलो हम बॉल्स बनाते हैं, बच्चों को जब इन्वॉल्व करेंगे ना तो बच्चे खुद ब खुद खाने भी लगे, उनको ये लगेगा कि हमने बनाए, इसी की आप छोटी छोटी बॉल्स बना लें, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ थोड़ा सा टैक्टिक्स होते हैं कि बच्चों के साथ, किसी में आपने अंदर ग्रीन डाल दिया, येलो बाहर किया, आपने अंदर ग्रीन डाल दिया, और इसके साथ आप डाल सकते हैं ये वाली चेडर चीज। अगर हम ये खाली बर्गर रखेंगे तो ये सॉगी हो जाते हैं लंच बॉक्स में। लंच बॉक्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है, वो जो मैं सुबह मेमोरीज की बात कर रही थी कि बहुत सारी दफा ना आप बच्चे लंच इसलिए नहीं करते, हम लोग भी इसलिए नहीं करते थे कि उस वक्त जब आप लंच ये आपने ओट्स लगाए, ठीक है, ये क्रिस्पी रहेंगे, ये क्रिस्पी रहेंगे, ये क्रिस्पी, बिल्कुल ठीक। और वैसे मुझे लगता है इसको आजकल तो वो जो आ गई है फॉइल्स, फॉइल के अंदर आप लपेटे, ये आम प्लास्टिक बैग में प्लीज बच्चों को कभी खाना मत दें। हाँ, ये मैंने इसमें चेडर चीज डाली है, ठीक है, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं प्लीज उनको इतना वो करें कि वो बाहर जाके खाना खाना छोड़ दें, ठीक है। तो चीजी बॉल्स वगैरह उन्हें घर में ही बना दें, बिल्कुल ऐसी चीजें उन्हें घर में ही, और जरा डेकोरेट करके ताकि टेम्पटिंग भी लगे, बना के प्लेट में ऑयल निकल रहा हो, नहीं इस तरह आपने नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारी बन रही है मजे की चीजी बॉल्स, और आगे हम जिसमें हमने मटर यूज किए बॉयल करके ग्रीन कलर के लिए,
चीज कॉटेज चीज नहीं है तो आप बॉइल्ड एग ले लें। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से इसको फ्राई करके हम इसका बर्गर बनाएंगे। बिल्कुल, बर्गर पैटीज ये मुझे आप जरा फरा वहाँ से प्लीज दे दें। ठीक है, और इसमें आप डालकर इनको कोई भी बर्गर घर में बना के दें या इस फिर आप मेयोनीज चीज लगा के इसी में मैं इनको टोस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मतलब इतना अच्छा हो, देखिए अब ये क्रिस्पी कितना है। ये आप, मैंने कोई क्रम्स नहीं लगाए, बच्चे ये हसल नाश्ते में दो आप रखेंगे यहाँ पे, और एक जो है ना वो मैं इन बच्चों को ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको जरा ट्राई करवाती हूँ। ठीक है, ठीक है कि ये चक के हमें बताएं कि इन्हें कैसा लगा है, कि कैसा है, क्या ख्याल है आपका, ये जो हमारे पैटीज बने हैं कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे। कितने कच्चे और महंगे भी नहीं होंगे, ये होंगे आपके बजट कंट्रोल। अगर आपको लग रहा है मटर महंगे तो आप सिर्फ बॉइल्ड एग और आलू ले लें। ठीक है, मुझे चम्मच देना यार, चम्मच दे दो बच्चों ताकि हम इसको ट्राई करवा सकें। इधर दे दें। ठीक है, कौन चखना चाहेगा? आप आ जाइए इधर। और कौन चखना चाहेगा? आप भी आ जाइए। फर्स्ट कम फर्स्ट हैव फर्स्ट, जिसने उसने हाथ पहले खड़ा किया। चलो आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, इधर आ जाए, मेरे साथ आ जाए, जल्दी से जल्दी से चले। अब आप लोग चखें इसे, इधर मेरे साथ खड़े हो ना, सीधा चखेंगे, ले ट्राई करेंगे, और जब मैं पूछूंगी तब बताना है, इससे पहले नहीं बताना मुझे। माइक दे मुझे, सीधा मेरे साथ खड़े हो ना, तुम्हारे चम्मच नहीं है, उधर से चम्मच पकड़ो अपना। जी हाँ, चखो पहले। नहीं, बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। कैसा, किस जैसा? बहुत टेस्ट, बहुत अच्छा है। चखो, मजे का। कैसा है? बहुत मजे का। ये लग रहा है इनको जबरदस्ती मैं कहलवा रही हूँ कि मजे का कहना। हाँ चखा है, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है वाकई में जी। चलिए, थैंक यू सो मच जी, मेहरबानी। इनको तो बहुत मजे का लगा है। अच्छा, इसी को आप, इसको मैश एक, अगर आपके पास अब कम पड़ गया तो आप क्या करते हैं, एक कबाब को जो आपने एक पैटी बनाई है उसको आपने क्या करना है, ये। वाह, अच्छा मैंने भी चखा है, और बाकी फ्राई किए हुए मटर और कॉटेज चीज और ऊपर से ओट्स, बड़ा ही जबरदस्त ब्लेंड है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मजे की बात यह है जो आपने उसमें बहुत माइल्ड मसाला रखा है, कोई बहुत चीजें नहीं डाली, नॉट हैवी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पता है आपको, एक बार बताऊं फरा, स्कूल के लिए आपको इतना डालना भी नहीं चाहिए, बच्चों को पता है उससे फिर क्या होता है, नींदें आती हैं। ठीक है, आपका खाना जो है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसको लाइट फील करें, नींद ना आने लगे। और ये बहुत यमी सा हमारा वेजी बर्गर, जो कि हमने इसे हरा भरा बर्गर का नाम दिया है। अब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अनहेल्दी हो। लंच बॉक्स के अंदर आप एक एप्पल रख दें। अच्छा, एक चीज जो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो है नट्स, अखरोट, बादाम। हमेशा मुझे भी याद है सर्दियां होती थी, हम कोट या सर्दी में पहनते थे, उसमें अम्मी एक हैंडफुल किशमिश, अखरोट दोनों का मिला के मिक्सचर, चने हैं, ये चीजें बच्चों को जरूर दें। ये हेल्दी हैं कि आपके बच्चे हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज रहते हैं, और दिमाग जो हमको भूलने की बीमारी वो भी उससे खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक, और ये मैं इसमें बॉल्स बना लूंगी, ये वाली। ठीक है, सो अगर आप इस तरह से देना चाहें तो ये भी ऑप्शन आपके सामने ही हमने बनाई है कि आप इस तरह से कैसे तैयार करके दे सकते हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, घर में कोई मेहमान आ रहे हो, हाँ। और अगर आपके पास जैसे आपने एक कटलेट है, अब आप इसे एक कटलेट के अंदर इसको कांटे से मैश करें, मैश करके तो थोड़ा सा मक्खन और वो डाल दें मेयोनेज, और फिर आप सैंडविच बना लें इसके, एक ही कटलेट के चार सैंडविच बन जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। सो ये भी एक ऑप्शन भाई, ये नहीं कि आप इसको सिर्फ बर्गर, आप अकेले भी सर्व कर सकते हैं, आप बर्गर में सर्व कर सकते हैं, आप इसके सैंडविच बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो मैं डॉक्टर फैसल जी, क्या चीज रह गई है आपके पास जो कि हमने अभी शेयर करनी बाकी है? वो आपने एक कमर दर्द के लिए बताना था हमें कुछ, कि जिन लोगों को ये कंप्लेंट रहती है कि उनकी कमर में दर्द रहती है। हाँ जी, उनके लिए एक तो हमारी पंजीरी जो है वो इस मकसद के लिए बड़ी अच्छी है, उसकी एक बेसिक रेसिपी दे रहे हैं। पंजीरी बना रहे हैं? नहीं, पंजीरी का इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ आप, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें ये फूल मखाने होते हैं, चारों गुंदे होती हैं, कमरकस होती है,
بادام، اخروٹ اور چاروں مغز، سوجی کا حلوہ بنائیں، اس میں یہ ساری چیزیں ڈال کے رکھ لیں تو یہ آپ کا جونسا ہے. سوجی کے حلوے میں تو پانی بھی ڈلتا ہے لیکن پنجیری میں جب بناتے ہیں اس میں جونسا ہے اس کو خالی بھون لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بھوننے کے بعد یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیں اور ان سب چیزوں کو بھی بھون کے ڈال دیں. ہاں ان سب چیزوں یہ جونسی ہیں اس کو تو آپ الگ سے کریں گے نا تو یہ تھوڑی سی اور پھول جائیں گی. ٹھیک ہے، پھول مکھانے جونسے ہیں یہ پھول جائیں گے. یہ گوندے جونسی ہیں یہ بھی الگ آپ کو اس پہ بھوننی ہے توے پہ، یہ بھی پھول جائیں گی. اس کے بعد پھر ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر کے بلینڈ کر کے رکھ دیجئے اور اس میں ڈال دیجئے تو وہ آپ کھاتے رہیں تو انشاءاللہ کمر کا درد جو خواتین کو اسپیشلی ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سو یہ ایک سردیاں چونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا بنا کے رکھ لیں، بہت زیادہ ڈھیر نہیں کھانا. ہاں تھوڑا تھوڑا، ایک چمچ جو ان سے دن میں ہے آپ چاہے اس کو آدھا آدھا کر کے کر لیں چاہے ایک وقت میں ایک چمچ لیں. ٹھیک ہے، اچھا ایک یہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچوں میں جو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے قد بڑھنے کے لیے اس کے لیے بہت اچھا اور یہ ہر کوئی کھا سکتا ہے لیکن بچے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہے موسلی سفید. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے سالب مصری. سالب مصری، ٹھیک ہے، سالب مصری موسلی سفید اور اس میں آپ ڈالنا چاہیں تو مصری ڈال سکتے ہیں جو ان سے ہماری میٹھی والی ہوتی ہے. اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ انڈے کا حلوہ جیسے ہم دودھ میں بناتے ہیں عام حلوہ، اس کے بعد ایک انڈے کے حلوے میں ایک چمچی یہ ڈال کے یہ بچوں کو کھلا دیں تو یہ پورا ان کا ناشتہ بھی ہو جائے گا، ان کی ہائٹ بھی بڑھے گی، ان کی ہیلتھ بہت اچھی ہو جائے گی اور جو بچے خاص طور سے کھیلتے ہیں ان کی انرجی ان سے وہ بالکل پوری رہے گی. اور یہ قد بڑھانے کے لیے بہت افیکٹو، بہت افیکٹو نسخہ ہے، بہت سادہ اور بہت افیکٹو نسخہ. اس سے کہ بہت سارے بچے جو ہیں ان کی وائٹمن ڈی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کیلشیم ڈیفیشنسی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں. اچھا یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ جو بچے کھیلنے کے شوقین ہیں تو ان کو چوٹیں لگ جاتی ہیں جو پتہ نہیں چل رہی ہوتی لیکن وہ کہیں نہ کہیں پین کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہ اماں کھا لیں تو اماں کے لیے بھی بہت مفید، سب کھا سکتے ہیں، ہر کوئی کھا سکتا ہے. بچوں کے لیے اس لیے کہ وہ قد بڑھنے والی ایج ہے تو وہ کھائیں گے تو ان کو بہتر. لیکن خواتین میں بھی اتنی سیویئر کیلشیم ڈیفیشنسی ہوتی ہے جو پھر میں نے اکثر خواتین جو بڑی عمر کی خواتین ہیں اکثر لوگوں کو اپنی اماں جب 70-80 سال کی ایج میں ایک ہی کمپلینٹ سنی اور میری گرینڈ مدر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، وہ سلپ ہوتی ہیں، وہ گرتی ہیں، ان کو فریکچر ہو جاتا ہے اور فریکچر بھی عموماً کولے کا ہوتا ہے اور وہ پھر اتنا ڈیٹیریٹ کرتا ہے ان کی صحت کو، ان کی ساری چیزوں کو کہ وہ پھر بون ڈینسٹی جو ان سی ہے کمزور ہو جاتا ہے، اوسٹیوپروسس ہو جاتا ہے. تو یہ خواتین اگر ابھی سے دودھ نہیں پی سکتی، دہی نہیں کھا سکتی، اور کچھ بھی نہیں، صرف یہ موسلی سفید بھی شروع کر دیں. اور یہ موسلی سفید جو ہے نا یہ انفرٹیلٹی کے لیے بہت بہترین چیز ہے، دونوں جینڈرز کی انفرٹیلٹی کے لیے بہترین چیز ہے. آپ کے اوور آل ہیلتھ جو ہے نا اس سے بہت زبردست رہتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے ساتھ یہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، جیسے ہم نے یہ آملے لیے تھے، اگر آملے آپ نے اسٹیم نہیں کیے تو آملے آپ ابال لیں. ٹھیک ہے، اس کا جو ہے یہ پانی ہے اس سے آپ سر دھونا شروع کر دیں، اپنا بال دھونے کے شیمپو لگا کر، شیمپو کرنے کے بعد آخری جیسے یہ پانی بچا ہوا ہے تو آخری پانی آپ نے اس کا کر دیا تو اس سے آپ کے بالوں کا کلر جو سفید کا کہہ رہے ہیں یا کھردرے ہو جاتے ہیں، بے رونق ہو جاتے ہیں، چمک ختم ہو جاتی ہے، تو یہ صرف اس کا ایک پانی جو ان سے ان سارے مسائل کا حل ہے. ارے اور آنیسٹلی یہ ایسے ہی، اور یہ پانی بنا کر تو ہم رکھ بھی سکتے ہیں، ہاں رکھ بھی سکتے ہیں. آپ اس کو فریز کر لیں، اس کے بعد جب آپ نے نہانا ہو تو اس کو ہلکا سا گرم کریں، آپ کا پانی تیار ہو جائے گا، وہ پانی آپ بالوں میں. تو یہ اتنا سا پانی کافی ہے جو کہ بالکل صرف مکس کر کے پانی میں نہیں، بس اس کو آپ نے کوئی مزید پانی نہیں ڈالنا، یہ جو ابلا ہوا پانی ہے اسی کو آپ نے صرف بال دھونے اور اس کو پھر آپ نے سادے پانی سے صاف نہیں کرنا، اس پانی کو چھوڑ دیں اپنے بالوں میں خشک ہونے دیں اور پھر اس کے اثرات اور کمالات دیکھیں. بالکل صحیح. اچھا آپ میں سے آپ نے پوچھا تھا مجھ سے کہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ہوتے ہیں جی، اور وہ حلقے جو ہیں وہ اکثر بچوں کی آنکھوں کے نیچے ہو جاتے ہیں، اگر اس کا کیا کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے ویسے ہی پڑے رہے تو سبز چائے کا قہوہ بنائیں اور اس میں آلو کے قطلے کاٹ کے ڈال کے فریزر میں رکھیں. ٹھیک ہے، 10-15 منٹ کے بعد جب وہ ٹھنڈے یخ ہو جائیں تو آلو کے قطلے نکال کے وہ آنکھوں پہ رکھ کے بیٹھ جائیں 15-20 منٹ کے لیے، انشاءاللہ اس سے کافی حد تک آنکھیں سود بھی ہو جاتی ہیں، آنکھوں کی چمک بھی آ جاتی ہے اور حلقے بھی ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کرو گی جو بتایا ڈاکٹر صاحب نے، ٹرائی کرو گی یا صرف سن لیا اور بس؟ ٹھیک ہے، سننے سے ہی ہمیں فرق پڑ جائے. اوکے ویری گڈ. اور یہاں پہ ہمارے سینڈوچ بھی بن گئے، وہ جو ہم نے ایک بتایا تھا آپ کو کہ اس میں تین آپشن ہیں وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں ویریشن. تو یہ بڑی ہیلدی سی ہمارے میٹ بال میں کہنے لگی تھی چیزی بال، اور اس کے ساتھ یہ سینڈوچ، سو ویری گڈ. دیکھیں اتنا سارا کچھ جو ہے یہ ہم نے فوری طور پر انہیں چیزوں سے بنا لیا جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. تو ایک بریک کے لیے میں رک رہی ہوں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. We'll be right back.
بھی آ گئے ہیں آپ؟ نہیں, پہلے جب آپ یہ لگاتے ہیں یہ کھانے والی چیز ہے, آپ اس کو ہینگ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ آپ نے, اب یہ آپ نے ڈالا ہے تب یہ, اب اس کو دھوپ میں رکھیں گے, تھوڑا سا پانی ڈالوں گی میں. ہینگنگ میں آپ کو میں بتاتی ہوں کیا ڈال سکتے ہیں. یہ آپ نے ڈال دیا, یہ تھوڑا تھوڑا سا یہ نظر آ رہا ہے بس, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ آپ نے کر دیا. اب اس کے اوپر آپ نے کرا اسپرے, وہ جو آتا ہے جو پانی ڈالنے کا, آپ زیادہ گملے رکھیں گے وہ جو جالی دار سوراخ والا ہوتا ہے اس سے آپ ڈالیں گے, ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ایک ہی جگہ وہ پانی جائے گا اور وہ صحیح نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, بہت آسان ہے یہ, اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے یہ اسپرے کیا اور اس کو آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے دو تین دن, اور صبح شام اسپرے کی باٹل, اگر آپ نے زیادہ گملے بنائے ہیں, دو تین بنائے ہیں تو یہ چل جائے گی, ورنہ آپ نے وہ بڑا والا جو گارڈننگ کا وہ ہوتا ہے اس میں آپ نے رکھے, اس کو دور دور آپ نے کرنا ہے. اور آپ دیکھیے گا چھ سات, اچھا دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے, ایک پیپر لیا ہے, نہیں میں آپ کو صرف آئیڈیا دے رہی ہوں, آپ نے ایک پیپر لیا اور اس پہ لکھ دیا گارلک لہسن جو بھی ہے, اور اس کو ٹوتھ پک لگا کے, تاکہ آپ لگا دیں تو آپ کو پتا چلے یہ لہسن ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کے اوپر لگا کے, اور اس کو آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو لہسن ہو گیا. اب میں آپ کو بتاؤں ٹماٹر, اور ٹماٹر بہت نکلتا ہے. اچھا ٹماٹر اتنا نکلتا ہے, ادرک اگایا جا سکتا ہے؟ ادرک اگایا نہیں, ادرک کو آپ نے یہ لیا, میں نے کیا کیا تھا, ادرک کو میں نے شیشے, ابھی گھر میں میں لیمن گراس رکھ کر آئی ہوں, جو آپ نے یہ اصل اس کو یہ کرتے ہیں کہ اس کو کھاد میں ڈال دیتے ہیں, جب آپ کے یہاں زیادہ آ جائے فریج میں آپ رکھتے ہیں خراب ہو جاتی ہے, باہر ڈرائی ہو جاتی ہے, تو آپ کو اس کو کھاد میں ڈال کے دبا کے ہی رکھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, اس میں ایک ہلا ہرا سا چھوٹا سا پودا نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, بس پھر وہ آپ ایک دبائیں آپ کا ادرک بھی نکل آئے, اور وہ عام زمین میں باہر لے جا کے. ہاں بالکل بالکل, لیکن ادرک لگانا بہت ضروری ہے, کیونکہ ادرک پہ ڈاکٹر صاحب آ جائیے ابھی, ادرک تو بہت فائدہ مند چیز ہے, فائدہ مند بھی ہے. اور نہیں تو بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ایسڈ میں ڈبو کے تو اس کے رنگ کیوں لائٹ کرتے ہیں. اچھا جب آپ ادرک لیں تو میلی میلی والی بازار سے خرید, جو بالکل صاف چمکتی ہوئی ہو وہ نہیں لینی چاہیے, اس کو کہتے ہیں ایسڈ سے دھوتے ہیں, ایسڈ سے دھوتے ہیں, ایسڈ سے. تو ایون لہسن, ہاں ایون لہسن, ہاں یہ دیکھیں یہ میں نے لیا, اوپر کا چھلکا موٹا اتار دیا, یہ میں نے یہاں ڈال دیے, یہ دیکھیں بیج ہے اس میں. اب تو یہاں تک بات چلی گئی ہے کہ ہائبریڈ بیج جو ہے نا, ایون ان کے نقصان دہ اثرات بھی اب سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے جینیٹکس کے ساتھ, آپ نے گندم کے بیج کے ساتھ کیا کیا ہے, کہ وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں ناہید اپا, وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آٹا ہم کھا رہے ہیں یہ اوریجنلی اب گندم ہے ہی نہیں, گندم کی جو جینز تھے یا گندم کی جو بیج کے جو ہونا چاہیے تھا اس کو انہوں نے بالکل بدل دیا. اس کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہیں جتنے لوگوں میں آج کل یہ ہو رہا ہے کہ وہ انٹالرنس ہے یا مختلف بیماریاں ہیں, اصل ہے یہ کھانے سے, سب کھانا بالکل 100%. اگر ہم ایسی چیزیں خود لگا لیں اور کوشش کریں کہ اچھا بیج, دیکھیں یہی چیز ہے, یہ چیزیں تو کم از کم جو بیسک ہیں ان کو تو آپ لگا لیں, بیسک تو آپ لگا لیں, کیونکہ ان چیزوں کے لیے پھر آپ کو کھلی جگہ بھی چاہیے. بالکل, یہ دیکھیں آپ نے, یہ میں نے ڈال دیا ٹماٹر کے بیج, اور یہ اتنے فاسٹ نکلیں گے, بیبی ٹومیٹو کے بنچے نکلتے ہیں, مطلب اتنے نکلے میرے یہاں میں نے پورے محلے میں بانٹے, مطلب سیریس. اور بیبی ٹومیٹوز کتنے مہنگے ہوتے ہیں, آج ہی کتنے مزے کے ہوتے ہیں, اور کتنے مزے کے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے لے کے پھر اسے پتلی سی آپ نے یہ اس میں کھاد ڈال دی. اسی طرح اگر آپ کے پاس بڑا گملا ہے, اصل وہ آپ دکھائیں, میں آپ کو وہ دکھاؤں, یہ اسکوائر والا, ہاں یہ والا, ہاں اچھا یہ جو ہے نا, اب یہ سب نہیں لیں گے مگر یہ ہے, اس میں آپ گرو کرتے ہیں پلانٹ, اس میں آپ ایک میں نیمبو لگا دیں یا چار میں ٹماٹر چار میں نیمبو, اور اس میں آپ سلٹس لگا دیں کیا کیا ہے وہ چیز, اور جب وہ نکلے گا پھر اس کو آپ نے نکال کے اپ سائڈ ڈاؤن ٹرن کر کے پھر آپ ان کو بڑے گملوں میں لگائیں. ٹھیک ہے, پہلے ان کو اسپراؤٹ کرنے دیں, یہ اسپراؤٹ ہوں گے جب یہ نکلیں گے پھر آپ نے اس کو, اور اس کو دھوپ میں رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ کس کام کے لیے ہے؟ یہ بھی تو بڑے مزے مزے کے گملے ہیں. یہ اس کے اندر آپ ویجیٹیبل میں نہیں لگاتی, کیونکہ یہ جو ہے یہ تو اسٹینڈ ہے, اس میں آپ وہ لگا سکتے ہیں انڈور پلانٹس کے لیے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس میں سے ریموو کر کے اور انڈور رکھیں, کیونکہ بہت سے پلانٹس ہیں, ایک اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ کہتا ہے وہ کہلاتا ہے آکسیجن بام. اچھا, مطلب جس کو نیند نہیں آتی وہ پلانٹ آپ رکھیں اس کے اندر کمرے میں, تو اس سے آپ کو نیند آ جاتی ہے. ارے واقعی, اور بہت ہارڈ پلانٹ ہے, خراب نہیں ہوتا. اچھا, اس میں آپ ڈفرینٹ کے اندر پلانٹ کا تو نام بتائیں, یہ تو نیند نہیں آتی جن لوگوں کو, مجھے اس کا نام بالکل میرے دماغ سے. اچھا ناہید اپا, جیسے یہ ہے روز میری ہے, تھائم ہے, آپ لگا سکتے ہیں, مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو پلانٹ ایسے گملوں میں نکلتا ہے یہ پلاسٹک ہے. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ آپ بالکل لگا لیں,
اور آپ رکھ لیں, مگر اس کے اندر آپ دوسری چیزیں لگا لیں. میں نے دو تین نکل گیا ہرا دھنیا میں نے لگایا تھا پہلے, مگر وہ لانگ لاسٹ نہیں کیا کیونکہ یہ پلاسٹک ہے, مٹی کی اپنی خاصیت. ہاں, چاہے آپ کھانا پکائیں مٹی کے اس میں پکائیں تو اس کا زیادہ ٹیسٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ نے یہ کیا, اس کے اندر بھی آپ نے یہ سب پائیں, اور ان کو دھوپ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تو ذرا خوبصورتی کے لیے کلرز ہوئے میں ہیں, کوشش کریں اوریجنل جو یہ اوریجنل کلر ہے نا, اس پہ کوئی پینٹ بھی نہ ہو, کیونکہ جب پینٹ ہوتا ہے تو اس کے یہ کلاگ ہو جاتے ہیں, اس کی جو ایک سوندا پنا تو ہوتا ہی ہوتا ہے, مگر جو اس کے پورز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں, پھر ان کو وہ صحیح ہوا رونے لگتی. یہ صرف خوبصورتی کے لیے ہیں, مگر اوریجنل جو چیز اوریجنل ہوتی ہے نا وہ اوریجنل ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دو لگا دیے ہم نے, دو لگا دیے. اچھا دھنیا لگانا, آپ یہ لگا, اچھا ہرے دھنیا کے لیے آپ کو سوکھا دھنیا, جو دھنیا ہوتا ہے ثابت پڑا پلاؤ میں ڈال, آپ کے پاس ہے تو اس کو, اس کو ہم نے میں اسی سائیڈ میں ڈال کے آپ کو دکھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہے نا, سونف لگتی ہے, سونف کی خوشبو اتنی اچھی ہوتی ہے. یہ دانا جو ہے نا ہرے دھنیا کا آپ یہ ڈال سکتی ہوں. ارے ناہید آپا, راکٹ لیوز لگ جاتے ہیں تارا میرا کے, سب 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 جو وہ ہے تارا میرا, اور یہ جو تلسی ہے, تلسی تو مست ہے, بیزل جو ہے یہ سنت رسول بھی ہے. ہم سمجھتے تھے, میں یہ سمجھتی تھی کہ صرف ہندوز لگاتے ہیں, یہ میں نے طب نبوی میں بھی پڑھی ہے. ناہید آپا واحد پودا ہے جس کا تینوں مذاہب میں جو سیکرڈ ہے, اور آئی تھنک قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے, ریحان. ریحان آج کل مچھر بہت آ رہے ہیں, تو کھڑکیوں کے پاس اگر, یا ان جن لوگوں سے مچھر آتے ہیں ان کے پاس اگر بیزل لگا ہو نا گملوں میں, بالکل مچھر بھاگ جاتے ہیں. انٹرنس کے اوپر آپ لگائیں, اور آپ جیسے یہ چھوٹے پاٹس کریں اس میں آپ لگا لیں, وہ فاسٹ گروئنگ پلانٹ ہے. اچھا, بہت فاسٹ گروئنگ پلانٹ ہے. آپ نے یہ دھنیا ڈالا اور اس میں اتنا دھنیا نکلے گا, اور اس کو میں نے اپنے گھر کی جو کچن کی کھڑکی وہاں رکھا تھا کہ میری نظروں میں رہے, کیونکہ باہر ہوتا ہے بھول گئے, مگر گرمی ہے کراچی میں, گرمی ہے تو بہت زیادہ. اب یہاں کا جو موسم اچھا ہے اس میں آپ یہ سب پلانٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پودینہ بھی ایسے ہی, پودینہ جو ہے میں پودینے کا کیا کرتی ہوں جیسے میں آپ کو دکھاتی ہوں. اچھا یہ پودینہ دیکھیں, اس کی جڑیں ہیں ہے نا, تو آپ اس کو تھوڑا سا پانی میں ڈال کے رکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو پانی میں ڈالیں گی, یہ والا نہیں کہہ رہی جو آپ گھر میں پودینہ آتا ہے, جب آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے اس کی خود بخود, یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے لیوز بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ خود بخود اس کے لیوز آئیں گے, اور یہ اپنی جڑ پکڑے گا. جب یہ جڑ نکل آئے پھر آپ نے پانی میں سے نکالا اس کو اس میں ڈالا. ارے یہ جیسے بہت مہنگی ملتی ہیں, بولتے ملتی نہیں ہے کسی جگہ سے فریش روز میری, آپ لینے جائیں یہ آپ خود لگائیں, آپ کی پھول گوبھی بند گوبھی سب نکلتی ہے. ٹھیک ہے, سب گھر میں میں لگا, تربوز میں لگا چکی ہوں, تربوز کے بیج ہیں آپ لگا دیں, اور اتنے بہت بڑا نہیں بن, اتنا نکلا سرخ رنگ کا اور بہت میٹھا, مزے کا, بہت صحیح. آپ کو پتا ہے مٹی کون سی ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ پانی کون سا ڈال رہے ہیں, کیونکہ ناہید آپا ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے, گندے پانی کی, نالے کے پانی کی سبزیاں, ایک اور چیز بتا, کھادوں والی مل رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں بڑا صحت مند چیز کھا رہا ہوں, جب وہ اس کے اندر ہی زہر بھرا ہوا ہے, تو آپ کے لیے کیا اس سے صحت. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ گھر کے اندر سبزی چھلتی ہے روز, فروٹس کیلے وغیرہ, تو آپ نے اپنے بیک یارڈ میں جو بھی آپ کا چھوٹی سی جگہ, ایک بڑا سا تھوڑا سا کھود لیں وہاں پر, یا گملا لے لیں, اس میں آپ کھاد ڈالیں, اور اس میں آپ وہ چھلکے اس میں ڈال دیا کریں, وہ کمپوز بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ فریش بنتا ہے جو آپ کھا رہے ہیں. کھا رہے ہیں, تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, ورنہ پھر وہی کھائیں. پھر آج کل پوری دنیا میں ریسائکلنگ پہ بات ہو رہی ہے, وہ لوگ اپنے ویسٹ سے انرجی بنا رہے ہیں, اور وہ اسی طرح بنا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈبے بہت الگ الگ رکھے ہوتے ہیں, وہ شاپنگ بیگ نہیں یوز کرتے ہیں, ان کا کوڑا آرگینک ہوتا ہے, اس کو سائیکل کرتے ہیں, ہر چیز کو سیپریٹ کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو شاپنگ بیگ نے اتنی مصیبت ڈالی. اینی وے, ہیلدی آپشنس صحت مند زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا سا ذہن کا استعمال جو ہے بہت ضروری ہے, اور محنت. ڈاکٹر فیصل تھینک یو ویری مچ, یہ اینڈ لیس سبجیکٹ ہے تو اس کو ہم وقتاً فوقتاً چھیڑتے رہتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, اتنا خیال رکھیے گا. میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں, اے پلس ڈرامہ سیریل لانچ کرنے والا ہے ہفتے والے دن سے, خاص طور پہ ہمارا یہ نیا ڈرامہ سیریل آ رہا ہے جس کا نام ہے دیدن, جو بہت زبردست ہے, آپ دیکھنا نہیں بھولیے گا. سو انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.